हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसेसियन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की हमारी वीडियो होगी कंप्लीट मैथ्स फ्री फ्रॉम यूट्यूब। यूट्यूब से एक एक चैप्टर मैं आपको बताऊंगी कौन से टीचर ने कौन सी वीडियो के अंदर बेस्ट पढ़ाया हुआ है। वहां से देख के अगर आप अपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हो, पूरा अपना जो भी मैथ्स का कोर्स है वो कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद ना आपको किसी पेड टीचर की ज़रूरत रहेगी ना किसी पेड बैच की ज़रूरत रहेगी। आप घर बैठ के यूट्यूब से बिल्कुल फ्री के अंदर अपना मैथ्स पढ़ सकते हो। ये वीडियोस जो भी SSC CGL का, CPO का, CHSL का, MTS का या किसी भी SSC की पोस्ट के लिए जो भी एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर मैथ्स पूछा जाता है, उनमें से कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हो तो अगर आपने ये वीडियोस देखी तो डेफिनेटली आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। ऐसी एक वीडियो ऑलरेडी है मेरे चैनल के ऊपर जिसमें मैंने कंप्लीट मैथ्स फ्रॉम यूट्यूब बताया हुआ है कि कैसे पढ़ना है आपको। तो अभी कुछ वीडियोज़ नई ऐड ऑन हो गई हैं और कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं, तो उसके लिए मैंने सोचा कि दोबारा से आप लोगों को एक वीडियो बना के दे दूँ। इस बार मैं एक चीज़ और कर रही हूँ साथ में कि मैंने सारी वीडियोज़ की एक लिस्ट बना के और उनके लिंक के साथ में आपको सारी वीडियोस टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल के ऊपर वो पूरी लिस्ट अपलोड हो जाएगी जहां से आप खोल के एक एक वीडियो को देख सकते हो। उस मैसेज को सिर्फ आपको शेयर कर लेना है, अपने सेव्ड मैसेज में डाल लेना या कहीं पर भी डाल लेना, सेव कर लेना, ताकि जो भी वीडियो आपको नेक्स्ट देखना हो, जो भी चैप्टर आपको नेक्स्ट करना हो, वहां से सिंपली आपको क्लिक किया और वीडियो खुल गई और आपने अपना देखना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए टेलीग्राम चैनल का जो नाम है डिलीजेंट एसेसियन है, डिलीजेंट एसेसियन नाम से टेलीग्राम चैनल अगर आप सर्च करोगे तो अपना चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारी चीजें ये मिल जाएंगी। तो अभी बात करते हैं कि जो अपना मैथ्स है उसको करना कैसे है। देखो, मैथ्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक एडवांस होता है, एक अर्थमेटिक होता है। एडवांस मैथ के कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ अर्थमेटिक के होते हैं। जो बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट है जिनको अभी नहीं बताया, उनके लिए एडवांस अर्थमेटिक सब सेम है, कुछ नहीं है। सिर्फ आपको टॉपिक की एक लिस्ट है जो आपको कंप्लीट करने होते हैं, वो सारे टॉपिक आपको उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ने होते हैं। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जिनका मैथ्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, तो उन लोगों को बहुत कम टाइम के अंदर जो अपनी चीज़ें हैं वो कर लेंगे। तो वो अगर कोई शॉर्ट वीडियोज़ भी देखेंगे जिनके अंदर थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स बता रखे हैं, उनसे भी उनका काम हो जाएगा। लेकिन जो एस्पिरेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ा है या बहुत ज़्यादा शॉर्ट अप्रोच वगैरह का उनको नहीं पता है, वो लोग इन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। वीडियोस को फॉलो करने के साथ साथ दो चीज़ें और आपको करनी होंगी कि जो भी वीडियो आप फॉलो करते हो, जैसे आज आपने परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो साथ साथ में आपको नोट्स बनाते रहना है और कोशिश करना है कि एक फ्लो में आप एक चैप्टर एटलीस्ट कंप्लीट कर दो। कि आज आपने परसेंटेज शुरू किया है तो लगभग 2-2.5 जितने भी दिन में आप मैक्सिमम उसको कर सकते हो ख़त्म, उतने दिन में आप उसको ख़त्म कर दो, उसके बाद में फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाओ। अगर कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो अभी बिगनर है, बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, तो उसको मैं एडवाइस दूंगी या रिकमेंड करूंगी कि वो अपना जो सिलेबस है वो अर्थमेटिक से स्टार्ट करे। अर्थमेटिक पहले अपना थोड़ा सा कंप्लीट करे, उसके बाद में एडवांस करना स्टार्ट करे। तो जैसे जैसे आपके टॉपिक कंप्लीट होते रहेंगे, वैसे वैसे उनके साथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया है तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस स्टार्ट कर दो। जो भी आपकी कोई एक बुक ले लो जिसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंपाइल करके दिए होते हैं। किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है जिसके अंदर सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो वाली बुक भी आप परचेज कर सकते हो। उसके अंदर वो सारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होती है। जो भी एग्जाम आप देना चाहोगे उसी के अंदर सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। सिर्फ एक बुक लेनी होती है मैथ्स के लिए, उससे अलग कुछ भी नहीं करना है, वो भी सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको विदाउट बुक कहीं टेलीग्राम वगैरह से फ्री PDFs अगर अवेलेबल हो जाती है, और बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो बुक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लेकिन फ्री PDF से वो काम चला सकते हैं, तो आप लोग उनके साथ भी जा सकते हो। जो भी मैथ्स के टीचर होते हैं वो आपको अपनी जो PDFs हैं वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। वैसे RBE जो रेवोल्यूशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर भी आपको काफ़ी सारी PDFs मिल जाएंगी। तो जिन लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगी प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, जो नहीं कर सकते उनको फ्री PDF से आप काम चला लो। तो अब एक एक टॉपिक मैं आपको बताऊंगी, सारे टॉपिक मैंने यहाँ लिख के रखे हुए हैं। एक एक जो भी टॉपिक होगा उसकी सबसे पहले थोड़ी सी मैं आपको क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि क्या होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना पसंद होता है, किसी का टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है। जैसे पर्सनली मुझे काफ़ी सारी वीडियोस अभिनय सर की काफ़ी अच्छी लगती थी, कुछ के अंदर मुझे राकेश यादव सर का जो कमांड थी वो काफ़ी अच्छी लगती थी। तो मैं अपनी तरफ से आपको दो दो ऑप्शन लगभग सारे जो भी टॉपिक हैं उनके दूंगी। जिस भी वीडियो की मैं रिकमेंडेशन दूंगी उस टीचर ने उस वीडियो में पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से करवा रखा है, तो इसलिए आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये वीडियो से अगर मैं करूँगा
तो मेरा होगा या नहीं होगा, डेफिनेटली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी एक टीचर से भी सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो, आप मल्टीपल टीचर से भी अलग अलग टॉपिक्स पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे पढ़ना है। मैं आपको सारी तरह के ऑप्शंस प्रोवाइड करवा दूंगी, जो भी बेस्ट वीडियोज़ होंगी वो उनके लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। तो सबसे पहले तो मैं सारे टीचर्स का थैंक यू करना चाहूँगी, जिन भी टीचर्स ने वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर अपलोड की हैं, इतना प्रीसियस टाइम निकाल के, इतने सारे एफर्ट्स लगा के, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोज़ को यूट्यूब के ऊपर उन्होंने अपलोड किया है, जिसकी वजह से आज ऐसा हो गया है कि एजुकेशन के सिस्टम में एकदम से रिफॉर्म आ गया है कि घर बैठ के भी सारे एस्पिरेंट अपनी तैयारी कर सकते हैं। एसएससी सीजल के 2022 के बहुत सारे एस्पिरेंट मेरे पास ऐसे आते हैं, टॉपर्स ऐसे आते हैं जिन्होंने फ्री में इन टीचर्स से पढ़ के अपना सिलेक्शन लिया है। तो आप लोग भी इन टीचर्स से पढ़ के अपना फ्री में सिलेक्शन ले सकते हो। और सारे एस्पिरेंट की तरफ से, सारी एसएससी कम्युनिटी की तरफ से मैं आप जितने भी टीचर्स ने वीडियोज बनाए हैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं। अभी बात करते हैं हम अपने अर्थमेटिक के सेक्शन की, कि अर्थमेटिक के सेक्शन के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आपको करना होगा वो करना होगा परसेंटेज। परसेंटेज से आप अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करना, जो मैथ्स का सिलेबस है। परसेंटेज के दो ऑप्शंस मैं आपको दे रही हूँ, एक राकेश यादव सर की वीडियो है, बहुत ज़्यादा पुरानी वीडियो है, आई गेस 5 साल के अराउंड हो गए होंगे उसको, और आज तक भी वो वीडियो रेलिवेंट है, काफ़ी अच्छे से उन्होंने पढ़ाया हुआ है। अभी एक रिसेंट वीडियो है आदित्य रंजन सर की, आदित्य रंजन सर ने भी जो अर्थमेटिक वाला सेक्शन है उसको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। और जो राकेश यादव सर हैं और आदित्य रंजन सर हैं, दोनों की ही मुझे काफ़ी अच्छी होल्ड लगती है, जो अपना स्पेशली अर्थमेटिक का सेक्शन होता है उसके अंदर। तो अर्थमेटिक परसेंटेज के लिए मैंने आपको बताया राकेश यादव सर और आदित्य रंजन सर। उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस की जो वीडियो होगी वो आपको देखनी है। गगन प्रताप सर की एक वीडियो है, कंप्लीट वीडियो, काफ़ी लंबी वीडियो है, उसके अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छे से करवा रखा है। या फिर आप आदित्य रंजन सर की देख सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपको दोनों टीचर्स की वीडियो नहीं देखनी है, या तो आप आदित्य रंजन सर की देखो या गगन प्रताप सर की, दोनों में से एक टीचर की आप देख लो, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। बार बार वीडियोस आपको नहीं देखनी है, इसलिए सिर्फ एक बार वीडियो देखनी है, उसी टाइम आपको साथ साथ में नोट्स बना लेनी है। ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इन ऑलमोस्ट सारे टॉपिक के लास्ट के 5 सालों के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको करवा रखे। ईवन कोचिंग सेंटर एक नाम से यूट्यूब चैनल है, भूतेश सर उसके ऊपर पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको सारे जो भी टॉपिक हैं उनके लगभग काफ़ी सारे टॉपिक्स के वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, कुछ की वो अभी कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस की उनकी एक वीडियो है जिसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उन्होंने दे रखे हैं कि किस अप्रोच से आप इनको सोल्व कर सकते हो। तो अगर किसी के पास टाइम है तो वो भी वीडियो देख सकते हैं। पहले आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, उसके बाद में वो कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वाली वीडियो है वो देख सकते हो आप। तो उसके बाद में आपका एसआई और सीआई मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अभिनय सर से पढ़ लो, काफ़ी अच्छे से डिटेल में उन्होंने पढ़ा रखा। अभिनय सर ने वैसे ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स अपने जो यूट्यूब के ऊपर फ्री क्लासेस के फॉर्म में दे रखे हैं और बहुत अच्छे से डिटेल में उन्होंने पढ़ा रखा है। तो अगर आप सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ना चाहते हो तो अभिनय सर से भी सारे जो भी टॉपिक हैं वो पढ़ सकते हो। वैसे एसआई सीआई मैं आपको अभिनय सर से रिकमेंड करूंगी। और अगर सिर्फ सीआई आपको जो सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई सिर्फ अगर आपको देखना है, तो आदित्य रंजन की भी एक वीडियो है एसआई के ऊपर, कंप्लीट, काफी अच्छे से उसके अंदर उन्होंने समझा रखा है। उसके बाद में रेशियो आपका, या तो आप अभिनय सर से पढ़ सकते हो या फिर आप गगन सर से पढ़ सकते हो, दोनों की वीडियोस के लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। जिस भी टीचर का आपको अच्छे से समझ में आता उससे आप कर सकते हो। मिक्सचर या तो आप रेमो सर से कर सकते हो या फिर आदित्य रंजन सर से कर सकते हो, दोनों की वीडियोस का लिंक उनका भी मिल, वीडियोस का लिंक बार बार नहीं बोलूंगी मैं, सबकी वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोनों टीचर्स ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा, दोनों में से किसी एक टीचर से कर लेना। पार्टनरशिप का स्पेशली मुझे अभिनय सर के जो मेथड्स होते हैं ना वो मुझे बहुत क्लियर लगते हैं, और अभी जो टाइम के अंदर पार्टनरशिप है ना काफ़ी लेंथी पूछ लिया जाता है काफ़ी बार, तो वो बहुत शॉर्ट अप्रोच में करके बता देते हैं। तो पार्टनरशिप में आपको रिकमेंड करूंगी अभिनय सर से आप पढ़ना। उसके बाद में एवरेज या तो आप अभिनय सर से पढ़ सकते हो या फिर आदित्य रंजन सर की एक कंप्लीट वीडियो है जिसके अंदर सारा उन्होंने आपका एवरेज पढ़ा रखा है, इन दोनों में से किसी एक टीचर से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद टाइम एंड वर्क आप या तो रेमो सर से पढ़ सकते हो या फिर आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हो, दोनों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा रखा है। टाइम एंड वर्क जिनसे पढ़ोगे उन्हीं से पाइप एंड सिस्टम पढ़ लेना, ऑलमोस्ट सिमिलर ही टॉपिक होता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। उसके बाद में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस अभिनय सर ने भी काफ़ी अच्छे से करा रखा है और गगन सर ने भी अच्छे से करा रखा है। अभिनय सर के
जो मेथड्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, कि मतलब जो सारे टीचर्स जिस अप्रोच के साथ में करवा रहे होते हैं वो उससे अप्रोच से नहीं करवाते हैं, थोड़े से डिफरेंट अप्रोच से करवाते हैं। तो जो उनकी अप्रोच पकड़ जाता है उनके लिए तो दी बेस्ट होता है, और जो उसको नहीं पकड़ पाता है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक बार आप पढ़ के देखना, अगर आपको सुटेबल लगता है तो ठीक है, अदरवाइज आप गगन प्रताप सर की जो वीडियो है उनसे आप पढ़ सकते हो अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। उन जो भी टीचर से आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ते हो उन्हीं से बोट एंड स्ट्रीम पढ़ लेना, सेम ही कॉन्सेप्ट होता है, तो अच्छे से समझ पाओगे आप। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी आप या तो अभिनय सर की वीडियो से पढ़ सकते हो, या एक आभास सैनी सर ने एक कंप्लीट वीडियो दे रखी है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, 1 से 1.25 घंटे की वीडियो है, उससे आप प्रोबेबिलिटी को पढ़ सकते हो। ये प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन दो टॉपिक अभी मेंस के लिए न्यू ऐड हुए हैं। प्री के टाइम पे अगर आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मेंस के टाइम पे आपको जरूर पढ़ के जाना है एसएससी सीजीएल के अंदर। परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन का जो टॉपिक है आपका, वो आपका शुभम जैन सर ने कंप्लीट एक वीडियो के अंदर करवा रखा है, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट था आपका अर्थमेटिक, जो आपको जिस जिस टीचर से पढ़ना है सारी लिस्ट आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, मिल जाएगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं अपने एडवांस मैथ के सेक्शन के, एडवांस मैथ के जो टॉपिक्स हैं वो किससे पढ़ने हैं। अभी भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो पवन राव सर से अपना जो एडवांस मैथ्स है उसको पढ़ना पसंद करते हैं, काफ़ी लेंथी वीडियोज हैं उनकी, लेकिन जिनके पास में बहुत अच्छे से टाइम है, डिटेल में पढ़ने का टाइम है, वो उनसे आज भी पढ़ सकते हैं, बहुत रेलिवेंट वीडियोज हैं, लेकिन काफ़ी लेंथी हैं, इसलिए मैंने उनकी वीडियोज के साथ साथ में अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी दिए। अगर कोई पवन राव सर से पढ़ना चाहता है तो वो तो आप पढ़ ही सकते हो, उसके साथ में अगर आप अदर टीचर से पढ़ना चाहते हो तो उनके हर एक टीचर के मैंने सारे सब्जेक्ट्स के इनके भी नोट्स बना रखे हैं, वो बताती हूँ मैं आपको। जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम अभिनय सर का मेरे को बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, मैंने भी उनसे पढ़ा हुआ है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप अभिनय सर से पढ़ना, और उसके क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अभी बताया था आपको, इवन कोचिंग सेंटर की जो वीडियो है उसके ऊपर डले हुए हैं। जो एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका जो आप बोल सकते हो एक टाइप से थ्योरी या कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने हैं, तो वो इवन कोचिंग सेंटर को डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं। उसके बाद में एलजेब्रा तो मेरे को पर्सनली अभिनय सर का बहुत ज्यादा पसंद आया था, मैंने उनके जो एलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स थे उसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम सेविंग हो गया था एग्जाम के अंदर, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस को आप ऐसे चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। तो अभिनय सर से आप एलजेब्रा पढ़ के देखना, काफी अच्छा लगेगा आपको। इवन कोचिंग सेंटर से वही प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मेंचुरेशन कि आपको दो ऑप्शंस दे रही हूँ मैं, या तो आप गगन प्रताप सर से पढ़ सकते हो या अभिनय सर से पढ़ सकते हो। गगन प्रताप सर की जो वीडियोस होती हैं स्पेशली जो एडवांस मैथ की होती हैं, उसके अंदर कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड से डायग्राम्स भी होते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करोगे वहाँ से आपको आइडिया होता रहेगा कि किस लेवल के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है। गगन प्रताप सर की वीडियोज़ में काफ़ी बार मुझे फील होता है ये कि 2-4 क्वेश्चन वो काफ़ी हाई लेवल के रख लेते हैं। या फिर मेंचुरेशन को आप अभिनय सर से भी पढ़ सकते हो, अभिनय सर ने भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है उसका, और इससे अलग एक निचोड़ की वीडियो बना रखी है आभास सैनी सर ने, जिसके अंदर सारे फॉर्मूले आपको एक ही जगह पे उन्होंने कंप्लीट करवा रखे हैं। तो उसकी पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगी, जो निचोड़ वाली पीडीएफ है, और वो क्लास भी अगर आप देखना चाहते हो तो आभास सैनी सर की वो क्लास देख सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री भी मुझे जो अपने अभिनय सर है उनका काफी अच्छा लगता है, अभिनय सर से पढ़ सकते हो, या फिर ट्रिग्नोमेट्री रेमो सर की भी काफी फेमस है, तो रेमो सर से भी आप अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री है वो कर सकते हो। इवन कोचिंग सेंटर पर दोबारा से वही आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ की जो वीडियो है आपकी, वो या तो आप गगन प्रताप सर की देख सकते हो या अभिनय सर की देख सकते हो, दोनों की काफी रेलिवेंट वीडियोस हैं। चार्ट्स एंड इंडेक्सेस की जो वीडियो है वो गगन प्रताप सर की एक वीडियो है, 2-2.5 घंटे की वीडियो है कंप्लीट, उसके अंदर बहुत अच्छे से उन्होंने करवा रखा है, वो आप देख सकते हो। सिंप्लीफिकेशन की जो वीडियो है आदित्य रंजन सर की वीडियो है, काफी अच्छे से उन्होंने पूरा सिंप्लीफिकेशन को एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। और ये थे लगभग आपके सारे टॉपिक्स कवर हो गए, एडवांस मैथ भी अर्थमेटिक भी। अगर इससे अलग भी कुछ आप जानना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो। हाँ, कैलकुलेशंस मैंने स्किप कर दिया, कैलकुलेशंस के लिए आप या तो अपनी सेल्फ कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो, अपनी ट्रिक्स बनाना स्टार्ट करो, वो सबसे अच्छा है। उससे अलग रेमो सर की जो कैलकुलेशन के ऊपर कमांड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आप रेमो सर की वीडियोज़ देख सकते हो कैलकुलेशन के लिए।
उसके साथ साथ में मोहित गोयल सर की भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, उनकी जो इंस्पेक्टर चालीसा मैं बहुत बार आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ, इंस्पेक्टर चालीसा भी आप उनकी पढ़ सकते हो, उसके साथ साथ उनकी कुछ वीडियोज़ भी हैं इंस्पेक्टर चालीसा से रिलेटेड, वो देख सकते हो, या फिर RBE वाले जो सर हैं शुभम जैन सर, उनकी भी कैलकुलेशन के ऊपर कुछ वीडियोज़ हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हो। दो तीन टीचर्स की बहुत अच्छी कमांड है कैलकुलेशन के ऊपर स्पेशली, तो आप इनको देख सकते हो। रेमो सर तो कैट लेवल की कैलकुलेशंस भी काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी कमांड है उनकी। इन टीचर्स में से आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। एक मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, जिस भी टीचर से आप पढ़ते हो अगर उनसे आपको कोई भी बेनिफिट होता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि जो जो मैंने रिकमेंड किया था उससे अगर आपको कुछ बेनिफिट हुआ है तो, क्योंकि ये वीडियो ऐसी नहीं होती सिर्फ आज देखी जाएगी, दो दिन बाद नहीं देखी जाएगी, ये साल भर तक भी देखी जाएगी, दो साल तक भी देखी जाएगी। अगर आपको बेनिफिट होता है उसकी वीडियोस की, अगर आप कमेंट्स इसके अंदर आके डालते हो तो बाकी बच्चों के लिए भी एक फेथ डेवलप होगा कि हाँ ये वीडियो हेल्पफुल है बाकी बच्चों के लिए, तो हम भी यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी एक चीज़ और कर सकते हो आप सब लोग, जिस भी टीचर की वीडियो आप पढ़ने जाओगे तो उसके कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हो डिलीजेंट एसेसियन स्क्वाड या डिलीजेंट एसेसियन करके समथिंग की लाइक उन्होंने आपकी वीडियो रिकमेंड की थी। जिससे क्या होगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो जिन्होंने मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर वीडियो देखी है, तो वो टीचर्स को भी पता लगेगा कि हाँ किसी ने आपकी वीडियो रिकमेंड की थी, आपने अच्छा काम किया हुआ है, तो कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है। और दूसरा मुझे भी पता लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, एक्चुअली में आप लोग उनका बेनिफिट ले रहे हो। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने इस वीडियो देखी, और थैंक यू सो मच टू एवरी टीचर जिन्होंने भी मैथ्स के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है।